जिस तरीके से करीब 50,000 सिपाही भर्ती के बाद की परीक्षा को लेकर के आज नतीजा आया और उस नतीजों के बाद में आरलाइन टीवी से उस आयोग के मुखिया ने खास बात की है, आइए सुनते हैं। जी भर्ती एवं पुनर्ति बोर्ड हैं, उससे बात करते हैं। सर आज बड़ा रिजल्ट घोषित किया है, वो भी बिना विवाद के। 49,500 प्लस कर्मचारियों का हम लोगों ने रिजल्ट जारी किया है और ये भर्ती एक वर्ष के अंदर संपादित हुई है और अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है। और अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली पुलिस के बराबर ये अकेले एक भर्ती है। तो इनकी ट्रेनिंग होने के बाद पुलिस स्टेशन हो, ट्रैफिक सर्विसेज हो, वीआईपी सिक्योरिटी हो, श्राइन्स की सिक्योरिटी है, महिला पीएसी बटालियंस की सेटअप करने की बात है, उन सब में मैं समझता हूँ कि सुधार आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली कोर स्ट्रेंथ अगर सिविल पुलिस और पीएसी की होगी और ट्रेनिंग के पश्चात तो हर विभाग में कर्मचारी आएंगे और यंग ब्लड रहेगा। यंग ब्लड जो है वो हमेशा अच्छी डिलीवरी देता है, अच्छी सर्विस देता है। आज परिणाम घोषित हो गया, इनकी ट्रेनिंग कब तक पूरी हो जाएगी? ट्रेनिंग कम से कम 3 फेजेस में होगी, तो मैं समझता हूँ कि इस वर्ष 2021 में या 2022 में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। सर अभी कुछ सब इंस्पेक्टर की भर्ती होनी थी, वो कब से उसका शुरू होगा? सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती 6,000 के लगभग का हमारे पास रिक्वेशन है और हम लोग उसका टेंडर प्रक्रिया चालू कर दिए हैं और हम लोगों का प्लान समर सीजन में उनका रिटर्न करवाना है और विंटर सीजन में नवंबर दिसंबर आते आते हम लोग उनकी दौड़ करवा के रिजल्ट जारी करने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि बीच में बात चली थी कि स्पेशल फोर्स बननी है या पर्यटन पुलिस बननी है, इस तरह की पुलिस भर्ती के लिए क्या अलग से एक रिक्रूटमेंट होगी? नहीं, ये जो स्पेशलाइज फोर्सेज हैं ये सभी डेपुटेशन की होती हैं, इनमें अलग से रिक्रूटमेंट नहीं होता क्योंकि इन फोर्सेज में आपको हमेशा यंग ब्लड चाहिए। तो अगर इनके लिए अलग से भर्ती कर लें तो जब कर्मचारी बूढ़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो इसलिए हमेशा ये सब डेपुटेशन पर यंग ब्लड जाता है। तो मैं सोचता हूँ पीएससी या सिविल पुलिस की कोर स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगी तो इन स्पेशलाइज फोर्सेज में हमेशा आदमी अवेलेबल होंगे। साथ सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को सर क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी जो सिलेक्ट हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जब ट्रेनिंग में आएंगे और ट्रेनिंग के पश्चात पुलिस स्टेशन्स में या हमारी पीएससी की बटालियंस में पोस्ट होंगे तो उसके बाद उत्तर प्रदेश नागरिक बहुत अपेक्षा रखते हैं और सुदूर ग्रामीणों में बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनकी हमेशा ये सेवा करें और उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद मिलेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आरके विश्वकर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आज अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनसे उत्तर प्रदेश की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं और उनकी आशा है कि उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। कैमरा सर अमीश के साथ गगन मिश्रा, आनंद टीवी।